मर्दी से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार रूठे कभी घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार रूठे कभी घर द्वार न रूठे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, हम पर रहे बरसता यूं ही जी। अरे नौ ने नौ नहीं पौने नौ बज गए, माला स्कूल का टाइम हो रहा है आज। चलो 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 चलो, ए बस वाले बस रोको, हमारे मुन्ना हमारी मुन्नी आ रही है। आइए दोस्तों भाई और बहनों, ये रहा महाराज अमर सिंह का परिवार, हंसी खुशी से परिवार जीवन यापन कर रहा है। आइए एक निहायत गरीब परिवार की तरफ आपको ले चल रहे हैं, जो दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। आइए ऐसे परिवार का दृश्य आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं और आपको दिखाते हैं। तो रहिएगा बेखबर, आने वाली सीन में देखिए कुछ खास खबर। जय भगवान। आज गरीबी के कारण वारे विधाता ऐसी गरीबी किसी को न दे, और दुनिया में गरीबों को हसीन पैदा
सेठ मुझे नहीं जानते, मेरा नाम राज के लिए, घर में चार प्राणी हैं, दो मेरे बच्चे, एक बेटी एक बेटा, बेटे का नाम फूल है, बेटी का नाम सुमन है, मेरे स्वामी का अवस्थिक तरफ गए, आज गरीबी के कारण तीन दिन हो गए, एक पिता ना नसीब नहीं हुआ, मेरी बेटी सुमन हमेशा यही कहती है, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो, माँ मुझे खाने को दो। हर मुझे यार रही याद, हर सामी की इंतजार करते हैं, शायद आते ही होंगे। या मालिक, आज गरीबी ने हमें बहुत ज्यादा तबाह कर दिया, क्या बताएं, और गरीबों की दुनिया मेरे दो बच्चे, मेरी धर्म पत्नी, मैं बस्ती की तरफ मेहनत मजदूरी के लिए गया, लेकिन लोगों ने मुझे पैर की ठोकर मार के भगा दिया, लाभ यहां से चला जाता, तेरे लिए काम नहीं है, नहीं है, चलता हूं, मेरी धर्म पत्नी मेरा इंतजार करती होगी कि मेरे स्वामी बस्ती की तरफ से लेके आएंगे, चलता हूं, खाली हाथ क्या जवाब दूंगा, तो अरे रूप
बीवी बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे, फिर भी मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, क्या जवाब दूंगा? चलता हूँ, देखता हूँ, मेरी पत्नी राजघर मेरा इंतजार करती होगी। देख रहा हूं लेकिन पूछता हूं, अरे भाई गमगीन क्या, और सोचती हो पूछ रहे हैं, अरे क्या बताऊं तुम्हें, हर प्राण प्यार दिया, हर कुछ कहा मुझसे अब तो। क्या बताऊं, हमारा नसीब आज हमारा साथ नहीं दे रहा, कुछ नहीं लेकिन नहीं दे, जो भी ईश्वर हमारे भाग में लिख दिया है उसे तो हमें भुगतना पड़ेगा। लेकिन स्वामी समय ज्यादा हो रहा है, बिटिया सुमन आती होगी, आइए उसका इंतजार करते हैं। क्या चिंता करते हो, उसके सामने अगर हम आस बहाएंगे तो बेटी बहुत दुखी होगी, इसलिए उसके सामने हमें एक भी आस नहीं बहाना चाहिए। आइए स्वामी आओ। Oh,
हमारा नाम सुमन है और हमारे भैया हैं जिनका नाम फूल है। क्या बताएं दोस्तों, गरीबी की वजह से माँ बाबूजी ने हमारी पढ़ाई बंद करवा दी है और मेरे भैया की पढ़ाई चालू है, लेकिन फिर भी भैया को जरा सा भी ध्यान नहीं है कि किस तरीके से माँ बाबूजी हमको पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं। चल के ये बात माँ बाबूजी से बताती हूँ कि भैया लापरवाह बहुत हो चुके हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं। चलते हैं। फोन नहीं आया, आखिर वो कहाँ है? अरे वही तो मैं बताने आई हूँ माँ कि भैया बाबूजी अकेले। हाँ बाबूजी अकेले तो अकेले आई हूँ। क्या बात, भैया का तो मुझे पता ही नहीं है, वो तो स्कूल जाते ही नहीं, मुझे क्या मालूम है। स्कूल से भी आया? स्कूल से आएंगे तब ना माँ, जब स्कूल जाएंगे तब आएंगे ना। अरे स्कूल तो गया है। स्कूल कहाँ गया है, वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के पिक्चर रहे थे। अरे बेटी वो पिक्चर क्या रास्ते रास्ते लगी है। भाऊजी ठीक है, हम बोपरी चरावत रहे। अभी मेरा बेटा फूल नहीं आया। अरे तोहार बेटवा फूल, राम राम राम। बिटिया की पढ़ाई बंद करा दियो, बहुत गलत। क्या करूं, गरीबी के कारण मैंने बंद कराई। बालको बेटा उन्हें की पढ़ाई बंद करा दियो। क्या हुआ? अरे राम राम, मास्टर मिले रहे। मास्टर कहाँ, ये बताओ तुम्हार भतीजा राम सिंह काहे नहीं आवत हो? अरे रोजाना स्कूल जाता है। अरे तीन दिन से पढ़ाई नहीं जा। ये क्या कह रहे हो तुम? हुआ रोड के किनारों में मैच खेलत है। ये मैच? हाँ क्रिकेट गेंदा खेलत है। गेंद क्या था? तुम झूठ बोल रहे हो। तीन ठो मैच हार का चौथा में नंबर लगा है। काका जानते हो इनको कुछ भी बताओगे उनके समझ में नहीं आता। ये लोग उनको बहुत चाहते हैं, अगर कुछ भी बताऊंगी तो इनको झूठ ही लगता है। अरे हम झूठ बोली, हमार मुंह देख ले। अरे देख रही हूँ तुम्हारा। बाबूजी मैं तो, हाँ बाबूजी मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपनी सहेली घर गई थी, उनकी बुक मेरे पास थी, मैं वापस करने गई थी। जब वापस आते समय देखा तो भैया अपने दोस्तों के साथ बैठ के पिक्चर देख रहे थे। अरे राम 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 राम। क्या दोस्तों घर गया थे? अरे हम तो कहीं घर नहीं गए थे। होकर पढ़ाई बंद करा दियो, प्रधान जी नरक में काम लगवाए, चल के माटी ढो। नरक नरक नहीं होता है, नरेगा होता है काका। बिटिया। हाँ बाबूजी। यही अपनी बूढ़ी माँ को समझाओ ना। माँ को क्या समझाओ? बहुत बाबूजी, तुम लोगों की तो बात मेरे समझ में नहीं आ रही। इनकी बात मत सुनिए बाबूजी,
आप टाइट होइए, आप लाठी उठाइए, अगर आ जाएंगे भैया ना तो दो चार जमा दीजिए, अरे सुधर जाएंगे, नहीं तो बिगड़ दे और छुड़ा दीजिए पढ़ाई में, तो कहती हूँ सीधा से काम, इनकी शादी कर दो। भगवान तुम लोगों की बात मेरे समझ में नहीं आ रही, क्या कहना चाहते हो? हाँ तुम्हारे का तो जिंदगी में ना समझ में आई, अरे अच्छे समझाना, मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, आखिर इसका मतलब? आप नहीं पढ़ी हो, हम तो पढ़े हैं। उसके दोस्तों के साथ, उनके दोस्त के पास मोबाइल है, उसे भी देख रहे थे, पिक्चर देख रहे थे, हमने देखा पिक्चर देख रहे थे मोबाइल में, और तुमने कुछ कहा नहीं? क्यों बोलूं, दोस्तों के साथ बैठे, मैंने सोचा कुछ और देख रहे होंगे। ये कहे को बोले, अच्छा एक बेटवा थोरो आए, अरे मेरे भैया है, भाई है, चलिए आने दो ना, क्या आने दो, क्या है बाबू जी, आज यानी हर काम के लिए, अगर आज अम्मा बोले तो अम्मा को तो यार, हाँ हाँ आवे तो खा, पहले तो मुझे ऐसा लगता दो चार इन्हीं के फेर, हाँ इन्हीं के फेर हो। अरे सुमन बेटे क्या कह रही, आने दो आने दो, आने दो अपने भाई, इतना जोर बिगाड़ के रखे हो, आवे दे की माता, दिल का छोटी बहन है जिसका नाम सुमन है, मेरी माँ है, मेरे बाबूजी हैं, और एक हमारा बहुत ही हसमुख हमारे चाचा जी हैं। चलो देखूं अपने घर में पहुंचूं, देखूं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, चल के देखते। अरे जैसे बाहर सुमन अरे तुम्हारी चरण में झुका सिंह मैया, तुम्हारी चरण दे दो
आ गया। आरती उतार। अरे ये क्या कह रहे हैं? अरे मेरा बेटा आया है घर में। हाँ आया है, पाकिस्तान से आए हैं। कमाए क्या वाला है? कमाए क्या है? अरे बिटिया।